दिल्ली के बवाना में आग का तांडव देखने को मिला है। बवाना में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। थिनर की ये फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने, फैक्ट्री के अंदर लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के हम बता रहे हैं, थिनर की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग बुझाने का लगातार काम किया जा रहा है। आशंका यह है कि फैक्ट्री के अंदर लोग फंसे हो सकते हैं, जिनको बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हालांकि कितने लोग हैं अभी साफ नहीं पाया है। दिल्ली के बवाना की इलाके की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, फैक्ट्री चल रही थी, ऊपर की मंजिल है जहां पर आग लगी हुई है। थिनर की ये फैक्ट्री बताई जा रही है। ये देखिए धुएं का गुबार, और आप देख सकते हैं कि आसपास भी अफरा तफरी मची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है कि बवाना में थिनर की फैक्ट्री में किस तरह से आग लगी हुई है। 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लगातार आग बुझाने का काम किया जा रहा है। धुएं का गुबार देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। ये देखिए किस तरह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैला हुआ है। लोग भी आप देख सकते हैं नीचे खड़े हुए हैं, हलचल है वहां पर अभी काफी। और हालांकि आग किस वजह से लगी है फैक्ट्री में, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि फैक्ट्री में आग कैसे लगी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं क्योंकि भीषण आग है और दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि आग कितनी भीषण है। लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैक्ट्री में लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। कितने लोग हैं ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन लोगों का रेस्क्यू भी वहां पर लगातार किया जा रहा है। बवाना इलाके की ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर, जहां पर थिनर की फैक्ट्री में आग लगी हुई है और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। बवाना में आग का तांडव इस तरह से दिख रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ऊपरी मंजिल की तरफ ये फैक्ट्री है, थिनर की फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। किस वजह से आग लगी है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन आप समझिए अगर थिनर की फैक्ट्री है तो थोड़ी सी भी आग अगर वहां पर लगी होगी उसके बाद इस तरह से फैल गई। आप देखिए पूरी फैक्ट्री में जो ऊपर वाले माले में आग लगी हुई है। और जी मीडिया संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, सबसे पहले बताइए कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं क्या उनको निकाला जा रहा है, किस वजह से आग लगी? देखिए मैं आपको बता दूं, ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सेक्टर 2 में आग लगी है। थिनर की फैक्ट्री थी, केमिकल की फैक्ट्री थी, और इसके अंदर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो लेबर जो है वो काम कर रही थी, और जो आग है वो फर्स्ट फ्लोर से लग के सीधा सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया था। और समय रहते जो लेबर है, मजदूर है, उनको काफी फायर के मने मशक्कत के बाद उनको निकाला गया जा चुका है। मगर जो भी आग है वो इतनी भयानक रूप ले रही है, क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री है तो नेचुरली बात है कि आग ज्यादा से ज्यादा फैलेगी। आगे जो ऊपर केमिकल के ड्रम रखे हुए उनसे बार बार विस्फोट हो रहा है, और आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनको खाली कराने के लिए पूरा फायर सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, ताकि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें कोई नुकसान ना हो। और अगर फायर की बात की जाए तो फायर की 15 से 16 गाड़ियां, 17 गाड़ियां जो है तो वो अभी यहाँ मौके पे। नीरज, अभी कोई नहीं है ना अंदर फैक्ट्री में? हाल की स्थिति में कोई नहीं है, मगर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आग बुझ नहीं जाती और फायर के जो कर्मी है वो अंदर देख नहीं लेते, पूरी जांच नहीं कर लेते, जब तक कहना पॉसिबल। जिस वक्त आग लगी नीरज, उस वक्त काम तो चल रहा होगा ना फैक्ट्री में? जी हाँ, काम चल रहा था, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे काम चल रहा था, और ऊपर ये जो ड्रम है ये केमिकल के ड्रम है, ये अनऑथराइज तरीके से ये ऊपर रखे होते हैं, ना ये इनके पास फायर की कोई एनओसी होती है, और ना ये जो ज्वलनशील पदार्थ इतना होता है कि अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट भी होता है तो उससे आग इतना भयानक रूप ले लेती है कि मतलब कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। आसपास की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आसपास की फैक्ट्री है उनके अंदर आग लगने का चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आग पे अभी भी काबू नहीं पाया गया। फायर की जो 16 गाड़ियां हैं वो लगातार मौके पे खड़ी। नीरज, किस तरह का ये इलाका है ये बताइए, और ये जो 3 माले की बिल्डिंग है ये जिसमें पूरी बिल्डिंग में आग लगी है क्या? नहीं, ये 3 ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है, यहाँ पर भी फैक्ट्रियां हैं पूरी की पूरी, और सेक्टर के दो के अंदर यहाँ पर आग लगी है। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंदर फैक्ट्रियां जो है वो बनी होती हैं, तो जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर आग लगी थी, ग्राउंड फ्लोर पे भी आग नहीं लगी थी, मगर फर्स्ट फ्लोर पे आग जो लगी थी वो सीधा सीधा उन्होंने सेकेंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया है, और जो आग है वो लगातार अभी बढ़ती जा रही है, जो केमिकल है वो लगातार विस्फोट जो है वो होता जा रहा है उसके। नीरज, किसकी फैक्ट्री है ये कुछ जानकारी मिल पा रही है? नहीं, अभी ओनर के बारे में कुछ नहीं पता चला है, ओनर यहाँ से फरार है। और अगर फायर की बात की जाए तो भी फायर यही बता रही है कि थिनर की जो फैक्ट्री है वो केमिकल होता है, थिनर होता है, जिससे उसकी फैक्ट्री वो अनऑथराइज तरीके से ही ऊपर रखा रहता है, जबकि अलाउड नहीं होता फैक्ट्रियों के अंदर ये चीजें, क्योंकि कुछ भी ज्वलनशील इतना पदार्थ है कि अगर थोड़ी सी भी आग लगती है तो एक कई फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले सकते हैं।
नीरज, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, जिसमें दिख रहा है कि सबसे ऊपर वाला जो माला है वहां पर आग लगी हुई है और वहीं से धुआं उठ रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बैक साइड का एरिया है, बैक साइड के जो फैक्ट्री है ये टू साइड ओपन है, और जो अंदर सामने की साइड में फैक्ट्री है वहां पर आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। वहां मीडिया को भी अलाउड नहीं कर रहे जो फायर कर्मी है, क्योंकि विस्फोट जो है वो लगातार हो रहा है। और जो ये पीछे का हिस्सा है जहां से आग निकलते हुए हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, ये पीछे बार मेन रोड का हिस्सा है जहां पर फैक्ट्री में आग लगी हुई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बैक साइड के अंदर फैक्ट्री में आग जो है कितनी भयानक है, तो फ्रंट पे क्या हाल होगा, क्योंकि मीडिया को बिल्कुल भी अलाउड नहीं कर रहे वहां पर जाने के लिए। विस्फोट जो है वो लगातार होता जा रहा है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए हमारे को भी अलाउड नहीं कर रहे। नीरज, क्या आसपास जो फैक्ट्री है उनको भी खाली करा लिया गया है एहतियातन? देखिए, मैं आपको बता दूं, आसपास की फैक्ट्रियों में खाली कराने का काम जो है वो लगातार चल रहा है, और बिल्कुल जो ऊपर नीचे की बराबर की जो फैक्ट्री है उनको तकरीबन खाली करा लिया है। पुलिस और फायर के जो कर्मी है वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैच एम्बुलेंस भी यहाँ पर है, ताकि अगर कोई बाई चांस कोई अनहोनी होती है या कोई चपेट में आता तो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जा सके। नीरज, आपकी किसी मजदूर से बात हुई है जो इस फैक्ट्री में काम करता हो, जिसने देखा हो कि आखिर वहां पर हुआ क्या था? नहीं, अभी किसी भी मजदूर से हमारी बात नहीं हुई। अगर हम बात करने की कोशिश की थी, मगर जो मजदूर है उन्होंने मना कर दिया है, और फायर की जो मतलब एनओसी अभी नहीं है, और फायर वाले भी अभी फाइट देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको वो अभी यही कह रहे हैं कि जब तक ये आग पे काबू नहीं पाया जाता जब तक हम कुछ भी बोलने से नहीं आएंगे। नीरज, वहाँ क्या अभी भी आग जल रही है या धुआं उठ रहा है? कूलिंग का काम चल रहा है? कितने परसेंटेज अगर हम समझे तो आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, 20% अभी आग पर काबू पाया गया, आग लगातार जल रही है, आग के जो धुआं है वो भी लगातार है, आग के जो शो आग बिल्कुल लगातार दिख रही है उसके ऊपर से, और अभी भी आग लगी हुई है। इसको फायर को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, हो सकता है जो फायर की गाड़ियां 16 है और वो लगातार जो है गाड़ियां वो 20 भी हो सकती है और 25 भी हो सकती है, जब तक आग नहीं बुझेगी जब तक फायर की गाड़ी नहीं जाएगी। फायर का अब इन्होंने केमिकल इसके अंदर डालने शुरू करे हैं फायर के गाड़ियों के अंदर, ताकि केमिकल से के जरिए भी ये आग पे काबू जल्दी पाया जा सके, ताकि जो नुकसान है वो कम से कम हो। जी बिल्कुल। नीरज, आप जरा ये समझाइए, क्योंकि तीसरा माला है ये, तो किस तरह से फायर ब्रिगेड कर्मी काम कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके? चुनौती तो डेफिनेटली वहां पर होगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, फायर कर्मी जो है वो लगातार फ्रंट साइड से भी पानी डाल रहे हैं फायर सिस्टम से, और बैक साइड से भी पूरा का पूरा ये बुझाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। मगर फर्क क्या होता है कि आगे से अगर पानी डालते हैं तो आग पीछे की तरफ ज्यादा फैल जाती है, और जो पीछे से आग है वो लगातार जो है, आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख भी रहे होंगे, वो आग जो है पीछे से ज्यादा पीछे वाली साइड पर ज्यादा फैल रही है, और तो उसको काफी मशक्कत के बाद, देखिए मशक्कत तो करनी पड़ती है फायर को भी, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे आग लगेगी तो कहीं ना कहीं फायर के लिए चुनौती वाला काम होता है, क्योंकि आग बुझाना जो है एक इतना आसान काम नहीं रह जाता फायर के लिए भी। लगातार फायर जो है वो लगातार संघर्ष कर रही है ताकि आग को जल्दी जल्दी बुझाया जाए। मैं एक बात दरअसल आपसे समझना चाहती हूँ नीरज, कि कितनी देर में वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं, क्योंकि मुंडका अग्निकांड में हमने देखा कि वहां बहुत देर में गाड़ियां पहुंची थी फायर ब्रिगेड की, उसकी वजह से भी बहुत नुकसान हुआ वहां पर। देखिए, मैं आपको बता दूं, फायर की जो गाड़ियां 15 से 20 मिनट में पहुंच चुकी थी यहाँ पर, क्योंकि फायर बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भी फायर का जो ऑफिस है वो बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर से गाड़ियां नहीं पहुंची हैं, क्योंकि बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का है, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही फायर का जो ऑफिस है, फायर स्टेशन जो है वो बना हुआ है, जिसके जरिए वहां से जो है गाड़ियां इमीडिएट जो है यहाँ पर आ गई है, और अदरवाइज देखा जाए तो और जो स्टेशन है फायर के उनसे भी गाड़ियां लगातार बवाना के अंदर आग बुझाने के लिए आ रही है। नीरज, ये कितनी देर में साफ हो पाएगा कि अब कोई नहीं है फैक्ट्री में? क्या अभी भी आशंका बनी हुई है कि कुछ लोग हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं, अभी ये इस बात को कहना सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक नहीं चलेगा कि कितने लोग अंदर अगर फंसे हैं, वैसे जो लोग बता रहे हैं, जो यहाँ पर आसपास के लोग बता रहे हैं कि सारे के सारे मजदूर जो हैं वो निकाल लिए गए थे, मगर जब तक आग बुझ नहीं जाती इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा।